दो शो ऐसे थे जो शायद मैं कर करने वाला था बट डेंट हैपन सम रीज़न एंड सिद्धार्थ गॉट इट सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज वाला सीजन आई थिंक नथिंग कैन बीट दैट सीज़न वो बहुत ही मज़ेदार था बुरा बनता है मैनेजर यहाँ पर आप डायरेक्टली बात करो तो आप बुरे बन जाते हो एंड आई वॉज लाइक और दो लड़कियाँ थी तो मैं जब घर आया आई टोल्ड माई वाइफ ऑल्सो कि तीन लड़कियाँ थी बट

बहुत बड़ा बढ़िया हूँ थैंक यू सो मच मैं थोड़ा कन्फ्यूज इतना भी पुराना नहीं हूँ छोटे में आया था इंडस्ट्री में इसलिए yeah, yes. uh, like, uh, आप हो आपको कैसा फील होता है इस बार बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज काफी टाइम के बाद आ रहा हूँ एंड uh, एक ऐसे शो के साथ शो इट्स अ फैब्युलस शो इट्स अ रीमेक कन्नड में बहुत सुपर हिट शो है ये एंड कलर्स पे आ रहा है प्राइम टाइम है दिपिका इज ऑपोजि मीश इज़ अ फैबुलस एक्ट्रेस तो एवरी थिंग इज़ फॉलोइंग इन प्लेस एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू कम बैक ऑन टी वी ऑलमोस्ट ये 20 साल होने वाले हैं आपके इस इंडस्ट्री में और बात करेंगे अगर शोज़ की तो क्योंकि सास भी कभी बहुत ही कसम से और ऐसे पता नहीं कितने हिट शोज है जो आप कर चुके हो लाइक आपको वो फैंडम की जो एक होता है ना एक्टर जिसको चाहिए होता है कि हाँ मैं हिट हो जाऊँ ये सब आपने पहले ही इन्जॉय कर लिया है क्या कहना चाहेंगे आप नहीं डेफिनेटली हमारा जो टाइम था 2005 में मैं आया था जिस शो के के साथ मेरा रिश्ता था मतलब कसम से क्योंकि कसौटी नज बलिए देवर टॉप शोज़ और उस समय का ना टाइम ही अलग था बिकॉज बहुत कम शोज़ थे कम चैनल्स थे द काइंड ऑफ रिकगगनीशन दैट हमें मिलता था उस समय आई डोंट थिंक आज के टी वी एक्टर्स को वैसा रिकग्नेशन मिल रहा है बिकॉज ऑफकोर्स इतने सारे चैनल्स हैं इतने सारे शोज हैं ओ टी है लोगों के पास मोबाइल है तो सब यहाँ वहाँ बिखर जाते हैं सो so डेफिनेटली वैसा रिकग्नेशन तो आई डोंट एक्सपेक्ट नाउ बिकॉज आजकल अगर आप मुझसे ही पूछोगे अगर ये बंदा इस चैनल पे मेन लीड कर रहा है या ये लड़की मेन लीड कर रही है तो मुझे खुद नहीं पता बींग इन द इंडस्ट्री बिकॉज इतने सारे शोज़ हैं सो डेफिनेटली हमारा वो ज़माना बहुत अच्छा था बट टाइम uh, के साथ चीज़ें चेंज होती है सोशल मीडिया आ गया है आजकल बहुत लोग हो गए बट इट्स फन सोशल yes. मीडिया आ गया इसीलिए लोगों को मतलब ज्यादा हाईलाइट होने लगे हैं लोग अगर आप लोगों के जमाने में सोशल मीडिया इतना एक्टिव रहा होता तो आप कहाँ होते आज अरे यार बहुत पैसे कमाता एक चीज़ का डिसपॉइंटिंग मतलब बहुत आ, वो लगता है कि काश हमारे जमाने में सोशल मीडिया होता तो हम भी बहुत पैसे कमाते बट हाँ मैं इतना सोशल मीडिया में एक्टिव नहीं हूँ बट uh, अब से कोशिश करूँगा विद दिस शो मतलब ज़्यादा दिखूँ सोशल मीडिया पर बिकॉज आई थिंक आज का ज़माना ही अलग हो गया इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग बींग देर एंड बींग ऑन सोशल मीडिया बिकॉज बहुत आसान तरीके से लोग आपको देख सकते हैं वहाँ आपकी ज़िंदगी में इन्वॉल्व uh, हो सकते हैं सो आई एम गोना बी मोर एक्टिव ऑन सोशल मीडिया ना शूटिंग पैटर्न में कितना आपने चेंजेस देखा है इन ऑलमोस्ट बीस सालों में ज़्यादा नहीं मतलब टेलीविजन में ज़्यादा नहीं देखा है बिकॉज टेलीविज़न में हमेशा हमारे पास वो टेलीकास्ट इशू रहता है एवरी डे हम नेक्स्ट दिन का शूट कर रहे होते हैं कट टू कट रहता है इफ़ यू प्लेइंग द मेन लीड तो टाइम उतना ही जाता है एंड दैट्स द रीज़न मैं बीच में गैप भी लिया था टी से बिकॉज थक गया था टी वी कर करके आई वॉन्टेड टू डू ओ टी टी बिकॉज वहाँ पर तीन चार महीने का ही कमिटमेंट होता है प्रिपरेशन टाइम ज़्यादा मिलता है डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करने को मिलता है सो so, uh, एक दो ओ टी टी शोज़ भी किया मैंने फिर आई वॉज प्रोड्यूसिंग कपल ऑफ शोज़ सो हाँ एज एन एक्टर टी वी में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है अगर अब की बात करें जो एक्टर्स हैं जैसे कि आपने जिक्र किया कि अब के जो लीड एक्टर्स भी आते हैं उन्हें भी पहचानना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज जो शोज़ आते भी हैं ना आप लोगों के टाइम जो शोज़ आते थे दो साल तीन साल चार साल मतलब वो एक या वो चलते रहता था और एक अलग ही पहचान आप लोगों को मिल जाती थी बट आज अभी ऐसा हो गया ना ज़्यादा से ज़्यादा दो महीने तीन महीने छः महीने ऐसे शोज़ चलते हैं और उन उतने टाइम में भी लोग नहीं उतनी अपनी पहचान बना पाते हैं तो अगर मैं आपसे जानना चाहूँ जब आप लोग उस टाइम पे जब आप लोग इतना काम करते थे इतने हिट शोज के लिए लाइक वो घर घर में देखा जाता था वो शो कोई मिस नहीं करना चाहता था एक सेकेंड भी आ, तो क्या आपने उस वक्त जो मुकाम हासिल की थी कभी आपको उसका गुरूर आया था नहीं यार कभी नहीं आया था और मैं तो वैसे भी बहुत ग्राउंडेड रहता हूँ तो मुझे ज़्यादा कभी फ़र्क नहीं पड़ा स्टार्टम का आई ऑलवेज थाट कि जितना लेवल पे रहो तो गिरने के चांसेस कम होते हैं ज़्यादा उड़ जाओगे तो बहुत ज़ोर से गिरते हैं बिकॉज टेलीविजन में एक चीज़ है आज आपका शो चल रहा है योर अ स्टार कल शो बंद हुआ विद इन थ्री मंथ्स योर बैक टू जीरो सो जस्ट बी नॉर्मल एंड आई हैव ऑलवेज मेन्टेन दैट लो प्रोफाइल इसलिए मैं कभी बहुत मतलब अपने आप को मार्केट भी नहीं किया सो आई जस्ट अ नॉर्मल लाइफ हैप्पी लाइफ ओके इसकी इसी के साथ ही मैं ये भी जानना ज़रूर चाहूँगी uh, जब आपने बीच में ब्रेक लिया क्या आपको किसी शो के लिए अप्रोच किया गया था या आपने ठान लिया था कि अभी मुझे करना ही नहीं है और आपने इस शो के लिए कैसे हाँ कहा है नहीं नहीं ऐसा नहीं है कि आ, मुझे अप्रोच किया थे, गया था कपल ऑफ शोज बट आई वुज स स्टक मतलब आई थिंक 2016 में लास्ट शो किया था मैंने टच ने उसके बाद आई गॉट मैरिड अबाउट अ हाउस आई वज डूइंग अप माई हाउस उसके बाद 2019 में हम लोग एक शो प्रोड्यूस कर रहे थे उसके लिए हम लंदन जाना था तो ऑलमोस्ट प्रेप करने के लिए शूटिंग सिक्स मंथ्स मुझे लंदन जाना था तो मुझे पता था कि मैं कोई शो ले नहीं सकता अगर मुझे मार्च में लंदन जाना है तो मुझे जनवरी में कुछ शो उठा नहीं सकता था वो चल गया 2020 में हमने सोचा था कि अब मैं शूटिंग करूंगा बट कोविड हैपेंड 21 में सोचा था अब करूंगा बेबी हैपेंड फिर मेरी वाइफ घर पर थी आई हैड टू अगेन एक हमने ओ शो ले लिया था ऑन हॉट स्टार डिजनी हॉट स्टार काला बोलकर तो आई वाज मैनेजिंग द सेट तो आ रहे थे ऑफर्स बट आई कुड नॉट टेक आप मुझे करना था पर ले नहीं पा रहा था फिर फाइनली इसके लिए भी जब मुझे, मुझे मंगल लक्ष्मी के लिए कॉल आया तो मैं लोनावला में था आई वज लाइक मुझे ऑडिशन के कॉल आए लुक टेस्ट के लिए मैंने बोला नहीं अभी नहीं कर सकता अभी तो मैं लोनावला में हूँ फिर एक महीने बाद मुझे वापस कॉल आया सर एक बार स्क्रिप्ट तो पढ़ो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा एंड आई वाज लाइक यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है आई वाज लाइक नेहा लेट मी गो एंड मीट दिस पीपल जैसे ही मैंने नरेशन uh, सुना आई वाज लाइक आई हैव टू डू दिस एंड नेक्स्ट दिन हमारा मॉकशूट था एंड दीपिका वॉज देर एंड आई वॉज लाइक और दो लड़कियाँ थी तो मैं जब घर आया एंड आई टोल्ड माई वाइफ ऑल्सो कि तीन लड़कियाँ थी बट जो वाइब आई गॉट फ्रॉम दीपिका दैट वॉज स्पेशल आई थिंक हमारी केमिस्ट्री बहुत रॉक करेगी एंड आई वॉज लाइक आई वॉन्ट टू डू दिस एंड बहुत अच्छी टाइमिंग थी ट्वेंटी ट्वेंटी फोर का फर्स्ट मतलब ट्वेंटी ट्वेंटी फोर स्टार्टेड विद द न्यूज़ दैट आई एम डूइंग दिस शो सो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड ये ग्रे कैरेक्टर ग्रे आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो इसके लिए रेडी होने के लिए आपको कितना टाइम लगा एंड खुद में आपने कितने चेंजेस किए बिकॉज कहाँ आप एक बबली बॉय कह सकते हैं हमेशा एकदम स्वीट सा बनकर आप हमेशा स्क्रीन पर आए हैं बिकॉज ऑडियंस को भी एक बार किसी को कैच करने में थोड़ा काफ़ी टाइम लगता है तो आपको क्या लगता है आपका ये ग्रे कैरेक्टर ग्रे कितना पसंद आएगा लोगों को एंड आपने खुद में कितने चेंजेस किए हैं एक प्रेजेंटेबल दिखाने के लिए कि हाँ मैं सच में बुरा हूँ इतना बुरा क्या, क्या है ना हूँ मैं माँ क्या हूँ मैं माँ <laughs> <laughs> बुरा हूँ नहीं बट एक्चुअली मेरी कास्टिंग भी जब मैं शूट था माई डायरेक्टर टोल्ड मी कि यू नो वॉट इज़ इंटरेस्टिंग अबाउट यू ना मैं मैं बोला क्या सर कि आप स्क्रीन पे इतने इनोसेंट लग रहे हो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं करेगा आपको ये करते हुए मैं बोला आज तक तो मुझे 20 साल में किसी ने ऑफ़र नहीं किया सर मुझे नहीं लगता मुझे इस शो के लिए भी कॉल आएगा बोलते नहीं दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट यू कि आप लग नहीं रहे हो नेगेटिव या ग्रे और पर जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो एकदम चेंज ओवर आ रहा है सो दैट इज़ वॉट माई डायरेक्टर फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई थिंक मेरी कास्टिंग उसी वजह से हुई है uh, ज़्यादा प्रेप नहीं करना पड़ा आई एम जस्ट ट्रस्टिंग माई क्रिएटिवस माई डायरेक्टर्स जैसा बोल रहे हैं आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर जैसा वो बोल रहे हैं आई एम जस्ट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंगली पर बहुत ये ग्रे है बहुत रियल है इनफैक्ट जब मैं एकदम पॉजिटिव करता हूँ ना मुझे लगता है बहुत नकली लाइनें बोल रहा हूँ मैं इसमें जो लाइनें भी हैं ना वो रियल लाइफ में कहीं ना कहीं कभी कभी हम लोग बोलते हैं तो उसी में थोड़ा सा एक टोन चेंज करना पड़ रहा है मुझे मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर बोलता हूँ तो यहाँ थोड़ा एंगर में बोल दे रहा हूँ बट मेरे लिए ये करना थोड़ा आसान हो रहा है मुझे बिकॉज बहुत ही रिलेटेबल एंड रियल कैरेक्टर है आई हैव सीन दीज कैरेक्टर्स इन रियल लाइफ मतलब मेरे कोई रिलेटिव हम लोग एक बना लेते हैं अच्छा हाँ वो वो कैरे मेरा रिलेटिव है

तो मैं ऐसे थोड़ा सा रूडली उससे बात करना शुरू किया पहला एक दो दिन उसे भी समझ में नहीं आया एंड शी इज़ लाइक पता नहीं शायद मूड ऑफ होगा वोट फिर मैं थर्ड फोर्थ डे किया इज़ लाइक हेलो ऐसे क्यों बात कर रहे हैं मैं बोला नहीं 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 मैं कैरेक्टर क्रार, का प्रिपेयर कर बोलते हैं हेलो तो अपने कैरेक्टर अपने ये सेट पर रखना घर पे मत लेकर आओ ये सब देन आई रियलाइज्ड हाँ करना थोड़ा रिस्की है देन आई स्टॉप डूइंग इट बट हाँ उसी बहाने से तीन चार दिन तो फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया मैंने भी जब आप कोई काम करते हो तो फीडबैक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है लाइक और कितने फीडबैक्स आपने जो मिले हैं आपको उसको आपने कितना फॉलो किया है फीडबैक्स को नहीं नहीं फीडबैक तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट मैं तो हद से ज़्यादा फीडबैक लेता हूँ कभी कभी मैं खुद को सेल्फ डाउट करता हूँ कि सर सही कर रहा हूँ ना सर सही कर रहा हूँ ना मैं तो हर शॉट के बाद जाके अपने के पास सर सही था ना टेक सही नहीं था मतलब थोड़ा ऊपर करना है थोड़ा नीचे करना है एंड माई फैमिली uh, मतलब वो सबसे मेरे प्रॉपर uh, मुझे ज़मीन पर रखते हैं प्रॉपर फीडबैक देते हैं ऐसा नहीं कि फेक मैं देखो जो देना है अभी बता दो सो दैट आई कैन मेक दोज चेंजेज़ एंड आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके एक्ट्रेस के साथ जो स्ट्रगल या फिर रिजेक्शन बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है बट अगर मैं आपसे जानना चाहूँ जब आपने स्टार्ट किया आपका ये इंडस्ट्री uh, में आप एज एक्टर आपने स्टार्ट किया आपने कितना इन चीज़ों को फेस uh, किया था लाइक like रिजेक्शन्स हुआ और भी बहुत सारी चीज़ें एक्टर्स को उनकी लाइफ में झेलनी uh, पड़ती है जो एक्टर्स कभी कभी अपनी चीज़ें बता नहीं पाते ऑन कैमरा आई विल से आई वॉज द ब्लेस्ट वन आई वॉज द लकी वन मैं मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की मैं सी सिने स्टार के खोज के थ्रू इस इंडस्ट्री में आया था और आते ही विद इन थ्री मंथ्स मुझे बालाजी का शो मिल गया था कसम से एंड उसके बाद जर्नी बालाजी के साथ एकता के साथ बहुत अच्छी रही है पार्ट ऑफ ऑल द टॉप शोज सो मेरे फ्रेंड्स को मैंने देखा है स्ट्रगल करते हुए कुछ आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं इट्स बीन ट्वेंटी ईयर्स एंड दे स्टिल होपिंग फॉर दैट बिग ब्रेक बट आई वॉज लकी एड आई जस्ट फील ब्लेस्ड कि मुझे नहीं करना पड़ा स्ट्रगल बट बहुत लोग करते हैं बॉम्बे में कुछ लोगों को लगता है कि बहुत आसान है इंस्टेंट स्टार्टअप मिल जाता है वो सिर्फ सौ लोगों को देख रहे हैं जो इनको स्टार्टअप मिली है यहाँ आप अंधेरी आओगे आप वर्सोवा जाओगे यहाँ लाखों लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं yes. बात करेंगे रमन जी ये जो शोज़ किया है आपने जो भी हिट हुए हैं आज भी लोगों मतलब याद रहता है वो डायलॉग वो कैरेक्टर मतलब हर हर किसी को अगर जो लोग बहुत ज़्यादा सीरियल लवर है शोज़ जो हमेशा फॉलो करते हैं उनको आप लोगों का कैरेक्टर मतलब एकदम ज़ुबानी याद रहता है कि मतलब वो डायलॉग्स वो कैरेक्टर सब कुछ बट कभी ऐसा हुआ है आपने जो शो किया है वो आपके दिल के करीब हो बट घर में आपके नहीं पसंद हो ऐसा कुछ हुआ आपकी फैमिली में नहीं पसंद आपका कोई कैरेक्टर नहीं अभी तक तो नहीं हुआ मंगल लक्ष्मी में फर्स्ट टाइम नेगेटिव प्ले कर रहा हूँ तो मुझे देखना है कि लोगों को कितना पसंद आ रहा है और कितने मुझे गालियाँ पड़ेंगी या क्या पता मुझे पता नहीं बट अभी तक मैंने सब पॉजिटिव कैरेक्टर्स किया है इसमें एक बात इसमें थोड़ा किरे कैरेक्टर कर रहा हूँ तो आई जस्ट वॉन्ट सी रिएक्शन मेरे घर में मेरे मॉम डैड मेरे नीस भतीजियाँ है। हैं हाउ डू दे रिएक्ट टू दिस कैरेक्टर जितने शोज आपने किए हैं ऑलरेडी उसमें से आपका मतलब फेवरेट कौन सा रहा है आपका खुद का ऑफकोर्स इट हैज़ टू बी कसम से बिकॉज वो मेरा डेब्यू शो था इनफैक्ट आई वॉज अमेज अभी मैं दार्जिलिंग गया था शूटिंग करने के लिए अभी भी लोग मुझे उसके बाद मैंने बहुत सारे शोज किए पर अभी भी मुझे पुछ कर पुषकर के नाम से पुछ, पुछ कर, आ, 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 बुला रहे हाँ बुझ कर शुक्ला मैं भी भूल गया था नाम सर नेम गया था शुक्ला बट yes द काइंड ऑफ लव आई got फ्रॉम कसम से वो अभी तक नहीं मिला दोबारा सो सोशल मीडिया पर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रही है कि मतलब सही चल रही है या कभी कभी क्योंकि अगर आप एक्टर हैं तो कई बार ये देखना पड़ता है आप सोशल मीडिया पर भी ज़्यादा एक्टिव तो ना तो वो हर कोई अपडेटेड हो जाता है आपको लेकर बट कई बार ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा अलग वे में चले जाता मतलब गलत हो जाता है तो क्या कहना चाहेंगे क्योंकि ट्रोलिंग वगैरह और बहुत सारी चीजें क्या कहना चाहेंगे अब पता नहीं मुझे तो समझ में नहीं आता कि कुछ लोग प्रेफर भी करते हैं ट्रोल होना उनको लगता है वायरल हो जाता है वीडियो सो आई आई डोंट नो कुछ लोग अपने बच्चों को भी बहुत डाल देते हैं सोशल मीडिया में आ, आई डों नो हाउ करेक्ट इज़ दैट बट सबका अपना अलग टेक है वो बोलते हैं यार वी आर मेकिंग मनी फॉर द फ्यूचर सो सबका अपना टेक है मतलब जो सक्सेसफुल हो रहे हैं जब पैसे कमा रहे हैं उनको सही लगता है जो नहीं कमा रहे फिर कहीं ऐसा लगता होगा वो सोचते हैं कि इट्स नॉट वर्थ इट तो आई डोंट नो मतलब मैंने देखा है कितने लोग, लोगों कमा रहे हैं सोशल मीडिया से कितने लोगों को काम मिल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू तो ठीक है अगर इफ देर मेकिंग मनी एंड फैमिली इज हैप्पी वाई नॉट ठीक है अब मतलब मैं पीछे रह गया हूँ बट अब आई विल्सो बी वेरी एक्टिव एंड सी कि सोशल मीडिया से कितना फायदा होता है मुझे okay. कोई ऐसा किस्सा सुनाना चाहेंगे आप जो आपने आपकी फीमेल को स्टार की आपने हेल्प की हो जो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद था उस वक्त लाइक like, uh, कहीं आउटडोर शूट पे गए हो आप लोग या यहीं कहीं अगर आप लोग फिल्म सिटी में या कहीं शूट कर रहे हो कोई ऐसी मदद की है आपने जो मतलब आज भी जो आपकी को स्टार रही हो आज भी आपका मतलब एक एहसान मानती हो एक्चुअली कोई मुझसे मदद मांगता नहीं है बिकॉज सबको पता दें मैं प्रैंक बहुत ज़्यादा करता हूँ <laughs> तो वो सोचते होंगे कि मदद मांगने जाऊंगा पर ये कुछ उल्टा ही कर देगा तो मुझसे कोई मदद ज़्यादा मांगता नहीं है तो नहीं प्रैंक बहुत करता हूँ मैं सेट पर बट हेल्प के लिए किसी ने अप्रोच ही नहीं किया मुझे नहीं। okay. uh, so, क्योंकि सास भी कभी बहू जो कि एक बहुत ही नेशनल शो कह सकते हैं जिसे हम हमारी हमारे इंडिया का कुछ ऐसी यादें शेयर करना चाहेंगे आप क्योंकि ऑफ कैमरा वो जो चीज़ें होती थी ना वो तब के टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था कि लोग उसके बारे में जाए कोई ऐसा बताना चाहेंगे आप जो मतलब सुनते ही आपके फैंस भी और जो शो लवर थे वो भी खुश हो जाएंगे पहले की यादें सुनकर मतलब इंसीडेंट तो बहुत हुआ करते थे uh, मतलब पुलकित पुलकृत टू प्ले माई यंगा ब्रदर मोनी थी एंड वी टू हैवे लॉट ऑफ फन ऑन दिस सेट दैट टाइम इनफैक्ट पुलकित अभी एक फिल्म भी किया था विच वी प्रोड्यूस्ड तेश बोलकर ऑन जी फाइव एंड इंसिडेंट्स मतलब बहुत सारे ऑन सेट तो बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं एंड एक दो बार ऐसा होता है कि जैसे uh, शिल्पा सकलानी शीश टू प्ले माई मदर उसका नाम गंगा था अब Uh, बीच का सीन चल रहा है बहुत मेजर ड्रामा चल रहा है एंड जो बात ही वो बोलती है गंगा अब बा का जो बॉय था उसका नाम भी गंगा था तो बीच के चलते हुए सीन में उसने शिल्पा को बोला गंगा और बॉय दौड़ के दौड़ कर आ गया कॉफ़ी मग और पानी लेके एंड एंड डायरेक्टर इज लाइक क्या कर रहे तू यहाँ पर मेरा शॉट बिगाड़ दिया एंड बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स होते थे मतलब एक दो बार तो टेलीकास्ट भी हो गया था आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस कि एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ था कि uh, शिल्पा ही आई थिंक शिल्पा ही किडनेप हो चुकी थी एंड फैमिली में सबका रिएक्शन जा रहा था कि शिल्पा किडनैप हो गई है एंड सबके रिएक्शंस हमारे क्या होते हैं पहले से लेकर रख लेते हैं पर शायद एडिटर ने एक इंटरकट चल रहे हैं जहाँ शिल्पा ऐसे चेयर पे बैठी हुई किडनेप रस्सी से बंधी हुई एंड फैमिली के पार्टी में सबका रिएक्शन जा रहा है शिल्पा किडनैप हो गई शिल्पा किडनैप हो गई हम लोग सबके रिएक्शन लिए हो रहे थे पहले से सबके रिएक्शन आ रहे हैं उसमें शिल्पा का भी रिएक्शन आ रहा है ऐसे करके मतलब वो किडनैप हुई है बट यहाँ पर टेलीकास्ट में उसका भी रिएक्शन चला गया किडनैप का एंड ये टेलीकास्ट भी हुआ है तो हाँ ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं भाई सब इतनी बड़ी मतलब गलतियाँ होती थी पहले तो लोग इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे बट जब आप लोग देखते थे इतनी बड़ी गलतियाँ आप लोगों के बीच में कैसा डिस्कशन होता था तो सब स्ट्रेस में आते हैं फिर सब हंसने लगते हैं कि अब अब तो जा चुका है अब क्या कर सकते हैं आप यू कॉन्ट डू मच एंड उस हमारे एडिटर्स को कोल्सो यू कॉन्ट कम्प्लेन बिकॉज पूरी टाइम वो लोग एडिट पर बैठे रहते इतने थक जाते हैं बेचारे बंदे और इतने सारे चेहरों में एक ही चीज़ बार बार वो कर रहे हैं तो उनको भी रियलाइज़ नहीं हुआ होगा एंड वी जस्ट लाफ्ट एडिट दैट्स इट आपको नहीं लगता सोशल मीडिया जितनी तेज हो गई है इसी की वजह से जो कंट्रोवर्सीज होती है बिकॉज आप लोगों ने जितना भी इतने बड़े बड़े हिट शोज तो दिए हैं आपने कि अपना छाप छोड़ा है आपको क्या लगता है ये जो कंट्रोवर्सीज होती है आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू पहले तो मुझे ये जानना है कॉन्ट्रोवर्सीज मतलब एक्ट्रेस के लिए फ़ायदेमंद होती है या फिर एक फुल uh, स्टॉप होता है आप कंट्रोवर्सी कर रहे हो और आप बिग बॉस में जा रहे हो तो मतलब उनके तो करियर को पुश मिल रहा है uh... मोर विजिबल मोर मनी सो आई आई एम श्योर जो भी कॉन्ट्रवर्सी कर रहे हैं आधे तो उन लोग uh, जान के कर रहे हैं कि चलो हम करते हैं एंड वील गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट कुछ अनजाने में भी हो जाता है बट ऐट दी एंड ऑफ द डे मतलब देख रहा हूँ मैं यहाँ जैसे सब बोलते हैं नेगेटिव पब्लिसिटी पॉजिटिव पब्लिसिटी इट्स अ पब्लिसिटी एंड एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज़ गुड तो अब मेरे को रियल और फेक में मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता एंड uh, जो कर रहे हैं और उनसे फ़ायदा हो रहा है उनको एंड ठीक है क्योंकि आप कुछ भी अच्छा दिखाओ तो वो नहीं दिखता आजकल मैंने नोटिस किया है सोशल मीडिया में आप कुछ गलत बोलो तो वो तुरंत वायरल हो जाता है उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं एंड उनको रिकग्निशन ज़्यादा मिल जाता है सो आई फील इफ इट्स वर्किंग फॉर देम गुड फॉर देम पी आर्स और मैनेजर्स बहुत आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट होते yes. हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्ट्रेस की लाइफ में उस टाइम पे क्या आपका कोई पीआर या मैनेजर हुआ करता था यार उस समय मुझे अप्रोच किया था और अनफॉर्चुनेटली uh, मुझे लगा था इन सब की ज़रूरत नहीं है और मैंने नहीं रखा बट अगर आप मुझसे पूछो तो आई वुड से दैट इज़ वन डिसीजन आई रिग्रेट रखना चाहिए था इट डेफिनेटली हेल्प्स मतलब कोऑर्डिनेट करने में अवेयरनेस uh, फैलाने में uh, इट हेल्प्स uh, आपका मैनेजर रहता है आपको डायरेक्टली किसी से बात नहीं करनी पड़ती तो फिर क्या आपका उस बंदे के साथ रिलेशन सही रहता है जो भी बुरा बनता है मैनेजर यहाँ पर आप डायरेक्टली बात करो तो आप बुरे बन जाते हो सो ऑल दिस हेल्प्स पी आर भी ज़रूरी है मार्केटिंग भी ज़रूरी है मैनेजर uh, भी ज़रूरी है uh, ए, एक, एक ज़माना में आई डेंट बिलीव इन ऑल दिस बट नाउ आई बिलीव इट्स इंपॉर्टेंट कोई आपके ऐसी खबर जो आपने पढ़कर या देखकर आपको भी शौक मतलब आप शौक हुए थे लिटरली कि मतलब ये क्या है Uh, उस समय कसम से लॉन्च हुआ था और उस समय पेपर के फ्रंट पेज में आया था राम कपूर और मेरा कुछ एक ऐसे ही फनी आर्टिकल राम कपूर ने कुछ बोल दिया था एंड इट बिकेम अ न्यूज़ आई लाइक नमन बट और समथिंग अ दैट एंड वो फ्रंट पेज पे आ गया था एंड आई वॉज लाइक अरे आपकी तो शादी हो गई है मेरी तो अभी नहीं हुई है कि क्या इज अफालतू न्यूज़ लाइक अरे ला, मेरे तो मजाक में बोला था उन्होंने लिख दिया तू स्ट्रेस मत ले बट आई वॉज वेरी स्ट्रेस उस समय वो वो हो 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 गया अब जब देखते आप पे मतलब मतलब बहुत सारी तो बिना बिना देखे देखे कोई भी छोटे से से छोटा बड़े बड़ा किसी की पूरा दिन बीतता ही नहीं है आपने कोई ऐसा रील देखा है और या ऐसा कह सकते हैं सोशल मीडिया पे जो भी ट्रेंडिंग होती है चीजें जो आपको देख ऐसा ऐसे लगा कि मतलब क्या है यार ये ऐसा कुछ हुआ है मतलब चलता रहता है मतलब आप तो आज सोशल मीडिया में जाओ तो आपकी आंखें तो ऐसे ही दर्द हो जाती है लाइक फोटी फाइव मिनट्स एक घंटा आपका इतना वेस्ट है मुझे लगता है कि ये मोबाइल फेंक देना चाहिए हमारे पुराने ज़माने का वो नोकिया आ जाना चाहिए ताकि हम लाइफ में कॉन्सन्ट्रेट कर सकें बट अनफॉर्चुनेटली हम मैं खुद फंसा रहता हूँ इसमें खुद ही देखता रहता हूँ अपने फैमिली को कम टाइम देकर हम एक घंटा उसमें वेस्ट हो जाते हैं एंड बहुत सारी बकवास इंटरेस्टिंग भी चीज़ें आती हैं इंफॉमेशन भी बहुत आता है मैं स्टॉक मार्केट में हूँ तो उसका भी इन्फॉमेशन आता है प्लेस जगहों नए रेस्टोरेंट्स नए बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं सोशल मीडिया में यू गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स आजकल हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी, भी पर कितने जेनविन है डिपेंड्स मतलब अब सौ फॉलो मतलब इन्फ्लुजर है जो टॉप फाइव है वो अच्छे हैं उनके इंटरेस्टिंग uh, होते हैं इन्फॉर्मेटिव होते हैं बाकी बकवास भिक, होते हैं हाँ अभी जैसे एक आया हुआ है क्या और मेरा पांच पाँच ऑरीज बना रखा है मतलब इससे देखो उस ही इज इंटेलिजेंट वो अपने आप को मार्केट कर रहा है उसको पता है कि वो ऐसे बकवास करता रहेगा तो वो उतना लाइम में रहेगा सो दैट्स हिज मार्केटिंग टीम वो दैट्स स्मार्ट वे ऑफ बट हाँ इट्स यूजलेस बट मैं भी देख लेता हूँ बिकॉज इट्स फनी एंड इट्स इरीटेटिंग बट आई स्टिल वॉच इट पावर ऑफ मार्केटिंग आप किस तरह देख रहे हो आप बहुत पॉजिटिव न्यूज आपको नहीं देखना पर बंदा जितना भी रिटेटिंग हो आप देख रहे हैं क्या रिडेटिंग कर रहा है पापा भी बन चुके हो लाइफ कितनी बदल गई है आपकी मतलब थ्री सिक्सटी भी कम है डिग्री अगर मैं बोलना चाहूँ चेंज एज हजब ज्यादा चेंज नहीं था बिकॉज आई गोट मैर टू माई बेस्ट फ्रेंड तो इट वॉज नॉर्मल बेबी जब से आया मतलब नींद नींद उड़ उड़ चुकी है मतलब इतने लात पड़ते हैं रात को सोने के समय एंड दिन भर मतलब पूरी एनर्जी पूरा टाइम माई सन टेक्स एंड आई काइंड ऑफ काइंड ऑफ एन्जॉय जैसे आज छुट्टी थी तो आई वॉज सपोज टू स्पेंड टाइम विथ हेम तो फुटबॉल क्लास लेकर जाना पीछे गार्डन लेकर जाना बट इट्स 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 एन एक्सपीरियंस आई वॉय अलॉट एंड आई थिंक बींग अ फादर इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैज़ हैपन टू मी सो आपने आप, आपके एक इंटरव्यू में कहा था कि जब बेबी होने वाला था उस वक्त आपकी वाइफ को जो एल आर्स का वो जो लेबर पेन था काफ़ी आप बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे क्या बताना चाहेंगे उस वक्त उस वक्त क्या माइंड सेट था बिकॉज जब हम किसी को दर्द में देखते हैं ना मतलब कोई नॉर्मल भी इंसान हो तो हमें दर्द होता है बट जब हमारा कोई अपना गया हो जिससे हमें कोई प्रीशियस चीज़ मिलने वाली है कुछ ही वक्त में क्या चल रहा था आपके दिमाग में उस वक्त आई तो मतलब वो दिन मुझे अच्छे से याद है मुझे हमारा ड्यू लेटर था 11:30 थर्टी हमें और मेरी वाइफ बेडरूम में गए कि चलो नेटफ्लिक्स का एक शो देखेंगे मैंने ऑन करने गया एंड सडनली इज लाइक शीज आउच समथिंग एंड देन शी वॉश टू द मतलब शी रैन टू द वॉशरूम एंड शी लाइक नंबर मेरा माय वॉटर ब्रोक एज क्या और हम यहाँ अकेले रहते हैं फैमिली कोई है नहीं कोई बड़ा है नहीं हम लाइक डोंट डोंट पैनिक वी कॉल द डॉक्टर बैठे गाड़ी में अपने हॉस्पिटल पहुँचे एंड देन रात के बारह बजे से शुरू हुआ वो एंड कोर्स शी वाज़ इन पेन डॉक्टर्स व देयर वी हैव मतलब बेस्ट गाइडेंस एवरीथिंग वाज़ वॉज देयर पर साथ में और दो लेडीज़ uh, आए, वो भी मतलब डिलीवरी के लिए आए. उनका दो दो गंते, तीन घंटा तीन तीन घंटे में हो गया और हमारा टाइम लग रहा था तो ऑफकोर्स इट्स डिल स्ट्रेस फॉर आप अकेले हो आपको समझ नहीं है बट आई वॉज देर विद हर इनफैक्ट ऑपरेशन थिएटर में भी मैं साथ में ही था एंड आई वॉज हेल्पिंग कि इट्स होगा होगा कम ऑन एंड इट वॉज नॉर्मल डिलीवरी सो दैट दैट मोमेंट इज़ कैप्चर्ड इन फैक्ट वी हैव इट ऑन कैमरा ऑल्सो तो बहुत ही सरगल एक्सपीरियंस था दम फर्स्ट टाइम आई सॉक रिवान एंड एवरी वन वॉज वरेड हो घर पर एवरी थिंग इज नॉर्मल एवरीथिंग इज़ नॉर्मल सो हाँ वो पूरा मेमरी ऐसे छप गया मेरे दिमाग में उस दिन का अगर बात करेंगे आपके बेटे की कितना आपके काम में मतलब जब आप शूट पे रहते हो क्योंकि अभी आपने कहा है कि ब्रेक लिया था आपने सो अभी स्टार्ट कर दिया आपने काम कितना मिस करते हो आप शूट पे एंड कितनी बारी कॉल कर लेते हो बात करने के लिए या देखने के लिए वीडियो कॉल करते हो जब भी मौका मिलता है वीडियो कॉल चलता है प्लस मेरे हमारे पास कैमरा है तो आई कीप मॉनिटरिंग जब भी मैं सेट पे हूँ कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं बस कैमरा में देख रहा हूँ और कैमरा से हमारे वॉइस भी जाता है तो आई इज़ लाइक हाई उसको भी पता है पापाई है, कैमरा में इज़ आई लाइक हाई पापा oh. तो इट्स फन मतलब ऑफकोर्स जितना टाइम दे सकता हूँ जिस दिन हॉलीडे है कुछ नहीं कर रहा हूँ तो आई एम जस्ट विथ हिम कल भी हमारी छुट्टी थी तो आई टू हिम टू जुहू में हमारा एक किड्स फन फेस्ट टाइप का चल लग रहा था सो मैक्सिमम टाइम आई वॉन्ट टू स्पेंड विथ हिम नाउ सो ऑलरेडी आपने रियलिटी uh, शोज़ तो आपने किए ही हैं बट इंडिया का दो बहुत ही पॉपुलर रियलिटी शो है मैं चाहती हूँ खुद आप वो बताएं पहले नहीं आई एम आई एम पार्ट ऑफ कलर्स नाउ एंड कलर्स पे ही रियलिटी शो ज़्यादा आते हैं एंड वी हैव खतरों के खिलाड़ी वी हैव बिग बॉस एंड आई लव बोथ ऑफ देम डेफिनेटली इस शो के बाद या जब भी मौका मिले आई वुड टू बी पार्ट ऑफ़ दिस रियलिटी शोज एंड इट्स फन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग मुझे तो बिग बॉस ही बहुत इंटरेस्टिंग लगता है बहुत मज़ा आता है मुझे देखकर सो so, येस yes. बिग बॉस की अगर आप बात कर रहे हो क्या कोई क्लिप आपने इस सीज़न का या कोई सीजन देखा या आपका कोई फेवरेट सीजन है जो आपने पूरा प्रॉपरली फॉलो किया था सिद्धार्थ शुक्ला शहनाज वाला सीजन आई थिंक नथिंग कैन बीट दैट सीज़न वो बहुत ही मज़ेदार था सिद्धार्थ वाज़ वेरी गुड शहनाज वाज़ वेरी गुड एवरी वन इन दैट सीजन वाज वेरी इंटरेस्टिंग Uh, इस सीजन में मुझे खड़ी लगा कि वो टास्क नहीं थे थोड़ा सा मुझे डाउन लगा बट uh, सिद्धार्थ सीजन ओके okay, अगर आपने बिग बॉस का नाम लिया है तो मैं जानना चाहूंगी आपसे आपका फेवरेट सीजन कौन सा रहा है अब तक? Uh, सिद्धार्थ no uh, को कहीं ना कहीं जब वो बिग बॉस Boss... थर्टीन में आए थे वो जो उनका सीजन था काफ़ी वायरल हुआ था आज तक उसके क्लिप्स वायरल होते हैं बट अनफॉर्चुनेटली हमने वो जैम खो दिया आपका कैसा क्या आप फ्रेंड थे सिद्धार्थ के मतलब क्या बताना चाहेंगे सिद्धार्थ के साथ कभी मिले थे आप नहीं मेरी फ्रेंडशिप नहीं थी उस, उन, उनके साथ कभी कभी जिम में हाई हलो होती थी बट बालिका वधू से दो शोज़ उससे पहले एक सोनी का शो था जो मुझे करना था बट बजट वजह से नहीं हुआ एंड बालिका वधू के थाउजेंथ एपिसोड में ये कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होना था आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कलर्स कि हम चाहते हैं कि आप ये शो करो एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड लवलिन वालिया वो सिंगापुर में रहती थी एंड मैं एयरपोर्ट पर था आईज़ लाइक मैं उसकी शादी में जा रहा हूँ आई कॉन्ट कम राइट नाओ मेरे को आप तीन चार दिन दो पाँच दिन का मेरा सेवन डेज का शायद सिंगापुर का ट्रिप था आई फिनिश दैट एंड कम इज लाइक नहीं हमें थाउजेंथ एपिसोड पर ही एंट्री करना है एंड एज़ लाइक अभी तो मैं नहीं आ सकता मैं इमिग्रेशन में हूँ अभी मैं कहाँ से वापस आऊँ एंड सिद्धार्थ डिड दैट शो उससे पहले एक सोनी का भी शो था आस्था चौधरी के साथ शायद था वो बिकॉज अभी बीच में मुझे एक कोर्डिनेटर बैठा था यू नो ना मन वाय लॉस दैट शो एज लाइक यू बिकॉज ऑफ मनी एज़ लाइक अच्छा ओके तो हाँ दो शो ऐसे थे जो शायद मैं करने वाला था बट डेंट हैपन सम रीज़न एंड सिद्धार्थ गॉट इट बट हाँ जिम में मिलते थे हम लोग कभी कभी एक हमारा पर्सनल ट्रेनर था तो उस जिम में सिद्धार्थ भी आता था बस उतना ही है एंड नाइस स्वीट टू तो मी ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई हमारी बट वट एवर आई सॉ ऑफ हिम ऑन बिग बॉस आई रियली लाइक दैट गाय अच्छा था, था जो था सामने था नाइस स्वीट गाय अभी के जो सीजनस आए थे अभी अगर मैं पिछले सीजन की बात करूँ क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में कोई क्लिप्स आपने देखा बिकॉज काफ़ी वायरल हुए थे मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ बिकॉज़ uh, अंकिता हमारे साथ ही थी जी सिने स्टार की खोज हम लोग साथ में आए थे मैंने देखा एपिसोड, आई लाइक इट बट नॉट लाइक हाउ आई लाइक सिद्धार्थ शुक्ला एंड शनाज वाला सीजन इट वॉज नाइस इट वॉज इंटरेस्टिंग मैं विकी को भी बहुत पहले से जानता हूँ इनफैक्ट मैं उसके घर भी गया हूँ बिलासपुर उसके भाई की शादी में बिकॉज जब वो नया नया आया था बॉम्बे में तब तो हम लोग सब बहुत पॉपुलर थे मैं जय तो हम लोग सब साथ में पार्टी करते थे उसके साथ उसके भाई की शादी में भी गया हूँ मैं बिलासपुर तो इसलिए मैं देख रहा था कभी कभी जब मौका मिलता है देखने को शो तो, या। तो आपने देखा बिग बॉस में विक्की जी के जाने के बाद ही वो विक्की भैया के नाम से पॉपुलर हो गए हैं मतलब एक जो एक्टर्स होते हैं ना उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है लेकिन विक्की जी जो बिग बॉस का हिस्सा बनने के बाद से ही आज वो उन्हें इतनी अच्छी पहचान मिल गई कि मतलब वो अगर एयरपोर्ट पे भी जाते हैं ना तो लोग लाइन लगा लेते हैं सेल्फी लेने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप अपनी इस विक्की के लिए विक्की जी इतने पॉपुलर नहीं हो जितनी उनकी आंटी हो गई हैं डेफिनेटली मतलब ही वॉज एंटरटेनिंग और वो हमेशा से ही वैसे ही फ्लमबॉइंट रहा है तो मतलब अगर कोई पार्टी में जाते थे हम भले वो स्टार नहीं था 2009 10 की बात कर रहा हूँ बट ही वॉज ऑलवेज़ व वेरी लाइकेबल पर्सन वो बहुत इंटरेस्टिंग एंड वेरी फिल्म बॉइंट रहा ही वॉज ऑलवेज दैट चामा एंड विच केम ऑन स्क्रीन दिस टाइम एंड क्या फ़र्क पड़ता है आप सेलिब्रिटी हो या ना हो आप एक शो में गए हो आप अच्छा कर रहे हो और आपको इंस्टेंट रिकोगशन मिलेगा दैट्स अ पावर ऑफ टी वी दैट्स अ पावर ऑफ सोशल मीडिया आज कोई भी स्टार बन सकता है आप एंटरटेनिंग हो आप एक्साइटिंग uh, हो यू विल बिकम अ स्टार्स आंटी जी की आ, आंटी जी का जिक्र किया आपने आंटी जी के मतलब हर एक स्टेटमेंट वायरल हो गए इनफैक्ट लोगों का ऐसा भी कहना है कि लगता है अगले सीजन में वो ज़रूर आने वाली हैं बिग बॉस के आ, आप तो रियल लाइफ में भी आंटी से मिले हैं कैसा आंटी का नेचर मतलब जिस हिसाब से उन्होंने मतलब वो बहुत ज़्यादा थक गई थी अगर आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा जो भी उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दिए थे क्या कहना चाहेंगे आप रियल लाइफ में आंटी कितनी फ्रेंडली है या कितनी जॉली है मेरे को ज़्यादा याद नहीं है बिकॉज मैं 2009 शादी में बस हाय हेलो हुआ था ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुई थी उनसे तो मैं ज़्यादा नहीं बता सकता अभी बट ऑफ कोर्स मतलब वो जो जिस तरह भी आंसर कर रही थी ऑफ uh, कोर्स वो भी थकी हुई थी थोड़ा सा वो भी uh, जो कुछ हो रहा था अंदर शी वॉज नॉट लाइकिंग इट मे बी तो उन्होंने अपने हिसाब से आंसर दिया जो भी था एटलीस्ट रियल हैं वो जो हैं बोल रही हैं सामने बोल रही हैं तो हाँ मैं जब मिला था बस थोड़ा सा छोटा सा इंटरेक्शन हुआ था ज़्यादा नहीं हुआ था उनसे इंटरेक्शन सो कमिंग बैक टू योर न्यू शो क्या कहना चाहेंगे दीपिका के साथ वो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखाने के लिए कितना स्ट्रगल करना पड़ा या फिर इजिली हो गया है बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा मतलब मैंने कुछ लोगों के साथ मॉक शूट किया था बट आई आई नो की जिस जिस तरह का केमिस्ट्री मेरा दीपिका के साथ है वो बाकियों के साथ नहीं था एंड आई वाज विशिंग बस दीपिका आ जाए बिकॉज आपको एक वाइब मिलती है एंड शी इज ऑल हार्ट बहुत ही प्यारी है Uh, बहुत ही ऑनेस्ट है एंड एंड शी इज़ फन मतलब बहुत बोलती है <laughs> बातें बहुत करती है एंटरटेन करती रहती है हमें सेट पे बट आई थिंक वील हैव अ ग्रेट केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन थैंक यू सो मच एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू योर फैंस हु इज लविंग यू सिंस लाइक ऑलमोस्ट 20 इयर्स नहीं आई विच एस ऑल ऑफ देम टू जस्ट कम वॉच मंगल लक्ष्मी बहुत अच्छा शो बन रहा है इट्स अ वेरी गुड शो एंड इट्स अ मिक्स आपको हर चीज मिलेगा उस शो में द इज़ रोमांस दज ड्रामा द इज एवरी थिंग इन दिस शो ये कंप्लीट पैकेज है एंड द कलर इज ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस शो एंड ट्रस्ट मी यू विल फॉलो इन लव विद मंगल एंड लक्ष्मी एंड होपफुली मी टू लास्टली एक और एड ऑन करना चाहूंगी मैं मंगल लक्ष्मी की आ, कौन सी ऐसी खासियत है बिकॉज़ तो बहुत सारे कौन सी ऐसी खासियत है जो दिखाती है कि हाँ कुछ यूनिक स्टोरी दिखने वाली है आपके शो में जो आपको लगता है कि हाँ ऑडियंस को भी बहुत पसंद आएगा वही बोल रहा हूँ बहुत ही रियल शो है ये कैरेक्टर्स आर वेरी रियल आप आप देखोगे ना मेरा भी जो कैरेक्टर है ग्रे है ग्रे इज़ द न्यू वाइड मतलब आज के ज़माने में uh, कोई भगवान नहीं है यहाँ पर सब में कुछ ना कुछ खामियाँ हैं और मेरा कैरेक्टर भी ऐसा नहीं कि मैं नेगेटिव हूँ या ग्रे हूँ आई एम अनहैप्पी अबाउट समथिंग विच आई शो ऑन स्क्रीन कि मैं खुश नहीं हूँ इस चीज से तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ अपने माँ से बहुत प्यार कर सकता हूँ इफ़ आई एम नॉट हैप्पी विद समन मै आई एम नॉट हैप्पी विद समन मैं फेक नहीं कर रहा हूँ सो एवरी कैरेक्टर इज़ वेरी रियल प्लस हम जिस तरह से शूट कर रहे हैं बहुत ही रियल जोन में है कुछ भी ओवर एक्टिंग या छू, शूशा वाला नहीं है इट्स वेरी रियल थैंक यू सो मच नमन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर न्यू शो और मैं चाहती हूँ आपका शो सुपर डुपर हिट हो एंड आप ऐसे ही इंटरव्यू देते रहो और सोशल मीडिया पे एक्टिव रहो yes, आप थैंक यू सो मच दिस इज नमन शो एंड मी ऑन टेली मसाला